नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो मुद्दा देश की खेती और किसानों से जुड़ा है कारण इस समय देश में किसानों को सिर्फ फसल आधारित व्यवस्था से बाहर निकल उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्प विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि देश के 80 फीसदी किसान छोटी जोत वाले हैं उनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है वैसे जलवायु परिवर्तन के चलते उभर रही नई नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कृषि अनुसंधान पर सरकार खास जोर दे रही है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को 35 विशेष किस्म की फसलों की सौगात दी सरकार का लक्ष्य देश के किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है और इसके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं शुरू की हैं परंपरागत खेती से आगे निकलकर कैसे खेती में किया जा सकता है वैल्यू एडिशन और समय के साथ खेती के पुराने तरीकों में बदलाव क्यों है जरूरी आज इन्हीं सवालों के साथ मुद्दा आपका में बात करेंगे खास मेहमानों के साथ इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है परंपरागत खेती की जो शैली है उसके साथ साथ वो वैल्यू एडिशन करके कैसे अपनी आय को अच्छा कर सकता है इन्हीं विषयों को समझने की कोशिश करेंगे दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एग्रीकल्चर के एम जे खान साहब एमजे खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों खास मेहमानों से मैं जो पहलू है उन्हें समझने की कोशिश करूंगा हो सर डॉक्टर एमजे खान एक साधारण किसान जिसके पास दो हेक्टेयर जमीन है या उससे भी कम है अगर वो वैल्यू एडिशन करके अपनी आय को बढ़ाना चाहे तो कैसे कर सकता है देखिए दो लेवल पे वैल्यू एडिशन होता है एक है फार्मिंग का लेवल जिसको हम प्रोडक्शन में कहते हैं दूसरा है पोस्ट प्रोडक्शन जो फूड वैल्यू चेन में है तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें चूँकि आपने एक स्मॉल फार्मर्स की बात किया है तो उसमें तमाम सारे तरीके हैं नंबर वन कि हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन करें अभी जैसे गेहूँ गन्ना या धान कर रहा है या मक्का कर रहा है उसे हायर वैल्यू का चाहे मेडिसिनल प्लांट्स का करें या हॉर्टिकल्चर का करें दूसरा है मिक्स फार्मिंग का कि फार्म का रिसोर्स बेस्ट यूटिलाइज कर सके क्रॉप के साथ साथ और क्या कर सकता है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे फिशरीज कर सकता है एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है बी कीपिंग कर सकता है और तीसरा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना कि वो एक एकड़ से अगर 100 किलो ले रहा है तो क्या उसी एक एकड़ से प्रसेशन फार्मिंग के थ्रू इंटेंसिव एग्रीकल्चर के थ्रू ज़्यादा मॉडर्न तरीके तैयार करके बेटर सीड क्वालिटी इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के इनपुट यूज़ करके क्या वो 100 से 125 से 150 किलो ले सकता है तो एक तो ये प्रोडक्शन साइड पे हुआ है दूसरा है पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें फूड वैल्यू चेन में हमको वैल्यू बढ़ाना है जी उसमें अगर कुछ नहीं करना फार्मर सिंपल अगर लूज में कोई चीज़ बेचता है जिसको हम कॉमोडिटी कहते हैं अगर उसको पैकिंग करके ब्रांड लगा के बेचता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉमोडिटी और प्रोडक्ट के बीच का जो प्राइसिंग डिफरेंस है आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रांड का वैल्यू निकल के आता है कपड़ा अगर वही है लेकिन हायर ब्रांड लगी हुई है ज़्यादा उसकी डिमांड है तो ब्रांड का एक प्राइस मिलता है उसको तो क्या फार्मर दुनिया भर में फार्म लेवल पे ब्रांडिंग होती है जैसे हरियाणा में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था प्लान कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ब्रांड्स क्रिएट किया जाए या उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बड़ा जोर शोर से किया था एक्चुअल कितना रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक उन्होंने लॉन्च किया था तो क्या फार्म लेवल पे हम लोग फार्म का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप अगर हॉलैंड में जाएं नदरलैंड में जाएं या फ्रांस में जाएं तो आप देखेंगे डेनमार्क में जाएं तो इंडिविजुअल फार्म जो है वो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड क्रिएट करते हैं और उसमें वो डालते हैं भाई हमारी डेयरी की ये क्वालिटी है इसमें ज़्यादा फ्रेगरेंस है चीज़ में या ज़्यादा बेटर क्वालिटी टेस्ट क्यों उसका वो रीज़न बताते हैं तो क्या हम लोग लूज से पैक्ड और पैक्ड से ब्रांडेड की तरफ जा सकते हैं दिस इज़ वन सेकंड यह है कि आप रॉ राम में बेचने के बजाय आप क्या उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके बेच सकते हैं प्रोसेस में बड़ा सिंपल है कि अगर आप ग्रेडिंग करके बेचते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी में बड़े आलू एक तरफ मीडियम किस्म के एक तरफ छोटे एक तरफ तीसरा है कि उसका एक फर्दर एक छोटी फैक्ट्री यूनिट लगा लिया साथ ही साथ आप वैल्यू एडिशन अगर इनकम परस्पेक्टिव से कह रहे हैं तो सीजनलिटी बहुत मैटर करती है जिस टाइम पे प्रोडक्शन होता है अगर उस टाइम पे किसान मार्केट को लेके जाएगा तो उसको फिक्स प्राइस मिलेगा लेकिन अगर वो बेसिक लेवल का स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट कर लेता है और आज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इतना बड़े पैमाने पे अनलिश हो रही है एंटरप्रेन्योर्स भी हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन भी हैं और एग्री क्लिनिक एग्रीविजन सेंटर भी कोई बत्तीस हज़ार देश में आ गए हैं तो क्या इनको हाई लेवल पे एक लोनिंग का प्रोविजन करके इनको कहीं विलेज लेवल पर स्टोरेज कंडीशन क्रिएट करें सो दैट डिस्ट्रेस सेल के बजाय एक अपॉर्चुनिटी सेल में कन्वर्ट कर सकें जब हायर प्राइस जाता हूँ जी आ, बिल्कुल आ, क्योंकि जब वैल्यू एडिशन की बात हम खेती और कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं आ, तो उसका तात्पर्य इस बात से भी है कि आखिर जो छोटे किसान हैं वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए और कौन से दूसरे तरीके अपना सकते हैं अपनी खेती को विस्तार देने के लिए आर्थिक दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट से एमजे खान साहब जानना चाहता हूं इस बात को कि मोदी सरकार ने तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम अपने खेती और किसानी को लेकर शुरू की हैं जमीन पर इनकी स्थिति कैसी है क्योंकि अगर हम किसान की आय की बात करते हैं दुगनी आय करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो योजनाएं सात सालों में मोदी सरकार ने शुरू की जिसका दावा मोदी सरकार की करती है जमीन पर उसकी स्थिति क्या है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो अच्छे फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाने का था जो इंटरवेंशन लार्ज स्केल हो सकते थे एग्रीकल्चर में वो किया उसमें तीन कानून भी शामिल हैं कि तीनों कानून ये एक एको सिस्टम बनाते हैं जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होता है बेहतर पार्टनरशिप्स होती हैं और फार्मर को मार्केट से बेहतर कनेक्ट करने का एक मार्ग प्रशस्त होता लेकिन इसके अलावा जो इस स्पेसिफिक नेचर के स्कीम्स लॉन्च किया है चाहे वो प्रधानमंत्री परम्परागत कृषि विकास योजना हो या आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या मंडी को इनाम की एक बड़ी स्कीम सरकार लेके आई कि डिजिटली जोड़ना हो तो करीब एक दर्जन से ज़्यादा बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने लाद किया चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड का हो अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड पे कम लागू हो पाया है और ये बात सही है जो इंटेंशन होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो फाइनल रियलिटी ग्राउंड की होती है उसमें कहीं ना कहीं गैप्स और डिस्ट्रॉशंस होते हैं तो अभी कोई ऑडिटेड रिजल्ट अगर आए लेकिन मोटा मोटा ऐसा माना जा रहा है कि इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया फार्मर्स की इनकम पे जो लेटेस्ट आंकड़ा रक्षा ने भी अभी मैंशन किया तो कहीं कही ना कहीं अभी पॉजिटिविटी एक तरीके से रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और उसका एक नतीजा ये भी देख सकते हैं कि कोरोना पीरियड में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था साढ़े तीन परसेंट के आसपास हुई इनफैक्ट सारे दोनों सेक्टर्स जब इकोनॉमी के डाउन जा रहे थे माइनस चौबीस परसेंट माइनस तीस परसेंट तो एग्रीकल्चर वाज ग्रोइंग ग्रोइंग एट फास्टर रेट दूसरा एक्सपोर्ट्स अनप्रेजेंटेड 24 परसेंट ग्रो कर गए कोरोना पीरियड के पीक में जब अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था उसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 24 परसेंट ग्रो करेगा फाइनली शायद एनुअल ग्रोथ जो है वो अट्ठारह परसेंट के ऊपर चली गई जो अनप्रेजिडेंटेड पहले कभी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट अब दिखना शुरू हो गए हैं लेकिन अगर कहीं इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव में और एक्चुअल ग्राउंड रियालिटी में डिफरेंस है तो स्टेट इस गवर्नमेंट्स इसके लिए याद दिमा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं है जी जाहिर तौर पर केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना होता है बहुत धन्यवाद एमजे खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर अशोक विष्णु दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार